morning, students! I declare the 29th annual Intercollege Dignity Cup open! Life agar maidan hai, to use do hisson mein divide karo. Ek mein sapne, dusre mein asliyat. Rohan. जिसे पार वही करता है जो भरोसा किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत करता है। चल तेरे साथ क्या बात है। चल चल तू भी बोले बेटा, दिन तेरा था, साल मेरा होगा। स्टूडेंट नहीं लग रहे भाई। एक बार मैं डांस कॉम्पिटिशन जीत गई ना, then there'll be no turning back. अपना हर ड्रीम पूरा करके रहूंगी। Ananya Pandey. अब हो गए ladies bye. Pakya now, princess. गजरे साले, सजनी मिली तो गजनी बन गया। अरे मृदुला तू क्या बपिलेरी बन गई। तुम्हें सेंट टेरेसा से निकाला जाता है। एक हाथ में गर्लफ्रेंड है, एक हाथ में ट्रॉफी है, ये मेरा तेरी लाइफ का। वही ट्रॉफी की लड़ाई। और ये तेरी कैसी औकात है? स्टूडेंट नहीं, मेरे हुजूर ऑफ दे है। लेकिन ये तो अभी खत्म नहीं हुआ दोस्त। टेरेसा का स्टड जो किशोरीलाल जमन्नास कॉलेज के हाथों से डिग्निटी ट्रॉफी हारेगा, और मेरे हाथों स्टूडेंट ऑफ द ईयर। और जिस दिन कबड्डी कबड्डी कहते हुए तेरे पाले में घुसूंगा, तेरी इज्जत के साथ साथ तेरी पहचान को भी हवा में उछाल दूंगा। दिन तेरा था, साल मेरा होगा। पहले जैसी ही थीम, पहले जैसी ही स्टोरी, हाँ किरदार नए हैं क्योंकि टाइटल भी वैसा ही है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर से स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू हो गया। मूवी देखते हुए शायद आपको लगे कि यार पहले जैसी ही स्टोरी चल रही है, वैसे ही यंगस्टर्स हैं, हाँ वो स्कूल था ये कॉलेज है, और उसी तरह से स्टोरी चल रही है। लास्ट में स्टूडेंट ऑफ द ईयर ट्रॉफी जीतनी है, डांस कॉम्पिटिशन होगा, ये सब बिल्कुल सेम लगेगा आपको जैसा कि पहली मूवी में था। हाँ उसमें आलिया भट्ट वॉज द ओनली लीड फीमेल एक्ट्रेस, ओनली फीमेल एक्टर, और इसमें दो एक्ट्रेस हैं, तारा एंड अनन्या, और टाइगर श्रॉफ लीड कर रहे हैं। उसमें दो एक्टर्स थे जो कि बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लास्ट में ट्रॉफी के चक्कर में उन लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ झगड़े हो गए थे, लेकिन यहाँ पे टाइगर श्रॉफ अकेले लीड कर रहे हैं, तो कुछ खास वेराइटी देखने को नहीं मिल रही। हाँ लेकिन ये हो सकता है कि वन टाइम वॉच मूवी तो ये बन ही जाएगी और एंटरटेनिंग रहेगी, क्योंकि काफ़ी कुछ ग्लैमर और बड़ा स्कूल और वो रही ज़्यादे और ये सब छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो आपको मूवी देखते हुए बोर तो नहीं होने देंगे, लेकिन कुछ हटके देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए तो ये मूवी ज़रूर देखिएगा। अच्छा है स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू का स्टोरी टू का ये ट्रेलर, और वही सारी चीज़ें हैं जो पहली वाली स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखने में मिली, बस कुछ ट्विस्ट हैं। मुझे भी स्टोरी वही लग रही है कि एक लड़का जो पहले वाले में सिद्धार्थ बने थे वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनना चाहते हैं, इसमें वो टाइगर श्रॉफ हैं वो भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनना चाहते हैं। मुझे लव ट्रायंगल लग रही है, मुझे ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि तारा सितारा शायद टाइगर से प्यार करती है लेकिन टाइगर अनन्या से प्यार करते हैं, तो कुछ ऐसी स्टोरी है। बाकी स्टोरी लाइन वही है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर के पीछे ये सब पड़े हुए हैं, वही कॉम्पिटिशन, वही डांस। टाइगर का एक्शन हर फिल्म में देखने को मिलता है, इस फिल्म में भी देखने को मिलेगा, और बाकी ठीक है, ट्रेलर अच्छा है, फुल
एंटरटेनमेंट मूवी जिसे कहते हैं वो हो सकती है, वो लग रही है। मतलब ये जो ट्रेलर है 2 मिनट 55 सेकंड का समथिंग, लाइक 3 मिनट का, मेरे को यही देख के नींद आने लगी। पूरी फिल्म देख कर पता नहीं क्या होगा, पूरी बकवास स्टोरी लाइन है फिल्म में। बस मुझे अगर न्यू कमर की बात करूँ तो शायद अनन्या पांडे के लिए उनके फैंस देखने चले जाएंगे, अदरवाइज़ फिल्म में कुछ भी नया नहीं है। टाइगर श्रॉफ का वही एज यूजुअल लुक है, उनका एक्शन उनका, पर जब टाइगर श्रॉफ डिलीवरी करते हैं, कोई भी डायलॉग बोलते हैं, वो बहुत ही बकवास लगता है उनके फेस पे। हाँ, उनके मसल्स, उनकी बॉडी, उनके डांस कमाल की होगी इस फिल्म में, जो पिछले बाकी सारी फिल्मों उनकी कमाल की रही है। लेकिन अदरवाइज़ धर्मा प्रोडक्शन से ये उम्मीद नहीं थी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो फिर भी ठीक थी पहली वाली, ये बहुत ही एवरेज से भी नीचे, मतलब मैं इसको एवरेज से भी नीचे ट्रेलर लग रहा है और बहुत बोरियत भरा है। कोई गाने भी अच्छे नहीं लगे मुझे, तो ओवरऑल पूरा डाउन है ट्रेलर ये। बीच में डायलॉग आया था कि तू लूज़र ऑफ द ईयर है, तो मुझे लगता करण जौहर ने भी लूज़र ऑफ द ईयर ही बनाई है। कुछ भी आपको नया नहीं मिलेगा, वही कहानी है, वही ट्रॉफी की लड़ाई है। बस ये है कि इसमें एक लड़का है, दो लड़कियाँ हैं, पहले वाले में एक लड़की थी, दो लड़के थे। बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा कि स्टूडेंट्स जो उनको करण जौहर के ग्लैमरस स्टूडेंट्स मैं नहीं कह सकती, क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते हैं। और जो दो नए फ्रेशर्स हैं तारा सुतारिया एंड अनन्या पांडे, बिल्कुल इम्प्रेस तो नहीं कर रही हैं, नॉट एट ऑल। आई मीन अ वेरी वेरी एवरेज से भी बिलो मैं कहूँगी। टाइगर श्रॉफ को देख के तो लग ही नहीं रहा है कि ही इज़ अ स्टूडेंट। उनकी बॉडी देख के, बॉडी बिल्डिंग बिल्डर तो हमें अपनी बॉडी तो हमेशा हर फिल्म में दिखाते हैं, लेकिन इस फिल्म में भी जो एक स्टूडेंट वाला फैक्टर था, इसको अगेन ग्लैमरस अंदाज में ले गए हैं। इसके अलावा गाने मुझे बहुत अभी जो सुनने में आया अच्छे नहीं है। एक बस रीमेक है, अगेन एक पुराने गाने का रिक्रिएटेड वर्जन, जो आजकल हर फिल्मों में हो रहा है। तो मेरे को ये ट्रेलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हाँ, लेकिन अगर आपको एंटरटेनमेंट देखना है या बिना सर पैर की वो स्टोरी देखनी है तो आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये ट्रेलर एवरेज से भी बिलो है। एक हाथ में गर्लफ्रेंड है, एक हाथ में ट्रॉफी है, ये मेरे तेरी लाइफ का, पर ये तेरी किसी औकात, स्टूडेंट नहीं, लूजर ऑफ द ईयर।